सतीर्थ सख्य छत्राए प्रणतार्थ प्रदायिनी। तृणादपि सुनिचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिका पल्यदासी रूपिणे गुरुवे नमः। पापो अहम् दीनहीनं च त्वं विना न गतिर्मम अहेतुकीं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर दासं कुरु मे गुरुवर। परम करुणा में श्रील गुरुदेव की जो लीला है, जो चरितामृत है, बार बार ये बात बोलता हूँ, असीम है, अपार है, शब्द नहीं मिलते। कई लोग जबरदस्ती अपने गुरु की महिमा को बनाते हैं। हम तो जो बनी हुई है, जो ऑलरेडी प्रकट की उन्होंने इस जगत में, उसको भी ढंग से नहीं प्रस्तुत कर पाते। मैंने कई लोगों को देखा, नजदीक से देखा, मतलब वो बातें हैं नहीं। परम दयालु, परम कृपालु, मेरे गुरुदेव, दया के सागर, फलाना ढिकाना, पता नहीं क्या 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 क्या, और पास में जाके देखा वो चीज नहीं है। द्वेष के कारण जल रहे हैं या किसी ना किसी से द्वेष पाल रखा है। तो जब ये सब बाहर अगल बगल दिखाई देता है, उसके बाद जब गुरु जी को देखते हैं ना, तो अलग एक भाव आता है कि हम क्या उनके बारे में बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं। आज हम लोग श्रवण करेंगे प्रणत अर्थ प्रदायी ने, प्रणतार्थ प्रदायी ने। कल श्रवण किया था प्रणत किसे कहते हैं। नत का मतलब झुका हुआ, नत का मतलब शरणागत, नत का मतलब समर्पित, नत का मतलब गुलाम, दास। तो प्रणत का मतलब जो प्रकृष्ट रूप से, मतलब प्रकृष्ट मतलब परिपूर्ण रूप से, जो शरणागत है। परिपूर्ण रूप से किसे कहते हैं, इसे समझना होगा। उसे कहते हैं कि अगर गुरुजी पूछें, ये तो फिजिकली नहीं, ये मेंटली ऐसा होना चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए। कोई नया आया जीव, उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, गुरुदेव आप जैसे भी बुलाओगे, अच्छा क्या लक्ष्य है तुम्हारा, गुरुदेव जहाँ ले जाओगे, क्या कर सकते हो, गुरुदेव जो करवाओगे, जो आदेश दोगे। अरे तो क्या कुछ चाहिए, लेना है कुछ, आपकी कृपा के अलावा क्या चाहिए। ऐसा जो शाब्दिक रूप से नहीं, हृदय से हो। हमारे गुरुदेव ने तो कभी किसी को कठोरता से बुलाया नहीं, ए इधर आओ सुनो, ऐसा नहीं किया कभी।
कितना भी शरणागत क्यों नहीं हुआ, वो डांट बड़ी ही लिमिटेड होती थी। उनकी डांट में लगता ही नहीं था कि इवन की माँ भी ऐसे डांटती हो। माँ भी आखिर थप्पड़ एक दो तो लगा ही देती ऐसा भी नहीं। वैसे मैं पहले प्रणत का अर्थ करना चाहूँगा, उनके प्रति गुरु जी का कैसा भाव और प्रणत की जरूरत, अर्थ प्रणतार्थ है ना, तो प्रणत की जो जरूरत है वो क्या हो सकती है या फिर वो कहाँ तक हो सकती है। उनको प्रदान करने वाले, उनको दे करके कुछ दिया है ऐसा महसूस ना करें, उन्हें कहते हैं प्रदान करना। प्रदान शब्द जो है दान से नहीं हुआ है। नॉर्मली लोग प्रदान को दान समझते हैं, देना, लेकिन प्रदान मतलब है दान करके, दे करके भी कभी उसका वो गर्व नहीं करना, कभी सोचना नहीं कि मेरे कारण से ऐसा हुआ, वो होता है प्रदान। मतलब हमेशा अपने आप को दाता ना समझते हुए, मैं तो उनकी कृपा से दे रहा हूँ, जब मैंने जो दिया उनकी कृपा से हुआ, उसे प्रदान कहते हैं। प्रदान शब्द का एक और अर्थ होता है जो परमेश्वर को दान कर दे। प्रदान शब्द हम लोग यहाँ संसार में प्रयोग करते हैं, लेकिन प्र प्र शब्द से प्रकृष्ट होता है। प्र शब्द का मतलब होता है प्रकृष्ट, प्रकृष्ट मतलब होता है श्रेष्ठ, प्रकृष्ट मतलब होता है परिपूर्ण। तो वह दान क्या हो सकता है, परमात्मा दान ही। तो इसलिए पहले प्रणत, और प्रणत के साथ में गुरुदेव का क्या संबंध, कैसा संबंध। प्रणत बोलते हैं आश्रित, वो जो गुरुदेव ने अपने गुरु भाइयों को तो अपने आश्रय में कभी समझा ही नहीं, इवन कि हम लोगों को भी अपने आश्रय में नहीं समझा, तो फिर वो प्रणत किसे देखेंगे, तो देख ही नहीं सकते। उनकी दृष्टि में प्रणत आएगा ही नहीं, उनके प्रति शरणागत कोई जीव आएगा ही नहीं। गुरुदेव से मैंने श्रवण किया था, जब भी कभी गुरुदेव को अपने शिष्य का परिचय देना होता था कहीं पे, तो उनका परिचय बड़ा अद्भुत होता था, ये हमारे मठ का शिष्य है, मठाश्रित है, हमारा गुरु भाई है, हमारा गुरु बहन है। गुरु भाई गुरु बहनों के ऐसे बोलते थे, और जो स्वयं के आश्रित होते थे उन्हें मठाश्रित बोलते थे। मठ आश्रित क्यों बोलते थे, क्योंकि मठ का अर्थ गुरुदेव ने एक बार किया। मठ का मतलब ये बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग बना दिया मठ, मठ नहीं है ये, मठ का मतलब है गुरुदेव, हमारा गुरुजी वही मठ है, और उस मठ में हरि कथा कीर्तन होगा तभी मठ है, नहीं तो होटल है। इस तरीके से गुरुजी बोलते थे। तो मठाश्रित बोलने का मतलब, मैं मतलब अपने आप को गुरुदेव स्वयं को मठ ना समझते हुए अपने गुरुजी को मठ समझते थे, लेकिन डायरेक्ट तो उनका आश्रय लिया नहीं, इसलिए मठ में वो भी रह रहे हैं। इसलिए मठ मतलब गुरुजी और गुरुजी के जो हैं वो सब मठ है, गुरुजी और गुरुजी से रिलेटेड, डायरेक्ट रिलेटेड जो हैं वो मठ है। वो बिल्डिंग भी उनसे रिलेटेड है, ठाकुर जी भी उनसे रिलेटेड है, सेवक भी उनसे रिलेटेड है। इसलिए जितने गुरुजी के सेवक गण हैं उन सेवकों में स्वयं भी वो हैं, गुरुजी स्वयं भी अपने आप को उन सेवकों में समझते हैं। इसलिए मठ आश्रित बोलते मतलब मेरा ही आश्रित है डायरेक्ट नहीं बोलते, मेरा ही आश्रित है। तो ऐसा अक्सर गुरुजी के मुखारविंद से सुना,
अपने से संबंधित घटनाओं को मैं फिर कभी, गुरु जी की करुणा होगी, कृपा होगी, जैसे अब स्मृतियाँ मेरी जग रही हैं, ऐसे ही पुनः स्मृतियाँ जब जगेंगी, अपने साथ रिलेटेड जो भी ये शब्द हैं इनके साथ गुरु जी का क्या संबंध है, कैसे किया, वो मैं बताऊंगा। फिलहाल मैंने देखा जो भी अपने आश्रित हैं उनके प्रति गुरु जी का कोई विशेष आग्रह देखा नहीं गया बाहर से, लेकिन उनका अहित ना हो जाए इसका बड़ा ख्याल रखते थे। जैसे मैंने कल भी आप लोगों को, परसों सुनाया था कि हमारे एक गुरु भाई वो एक मठ में गए, तो वहाँ पे गुरुजी को जो वहाँ मठ इंचार्ज थे वो गुरुजी से थोड़ा सा मन में रखते थे, मगर गुरुजी ने बोला कि तुम वहाँ रहो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं होगा, ऐसा बोला। ऐसे ही हमारे श्रीपाद, तब संन्यास नहीं हुआ था, प्राणनाथ प्रभु त्यागी महाराज वो थे वहाँ, तो गुरुजी को उन्होंने बोला सेम चीज़ कि महाराज जी हमको ऐसे बोलते, लाट साहब का बच्चा है, तुम लोग सेवा करने पे भी। गुरु जी ने पूछा आप क्या सेवा करते? मैं पूजा करता हूँ। ओ राधा रमन जी की सेवा करते हो, अच्छा राधा रमन जी तो बहुत सुंदर हैं। वो ना जो बेचारा क्वेश्चन लेके आया ना, उसका क्वेश्चन ही गायब कर दिया। तो कहते हैं महाराज जी मेरे से तो मंत्र मेरे को तो बोले नहीं जाते, उनको बेचारे बड़े सीधे सरल हैं। ओयम ब्रह्म वेदांत विदो वदंती भरे प्रधानम पुरुषम तथा, ये सब आता नहीं उनको, संस्कृत नहीं बोली जाती। तो उनकी सरलता से गुरु जी का कैसे अपने प्रणत के प्रति, अपने शरणागत के प्रति कैसा सुंदर उन्होंने वो बतलाया। तो महामंत्र आता है? हाँ जी महामंत्र आता है। महामंत्र से भगवान जी को हाथ धुला देना, हरे कृष्ण 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 हरे, हाथ धुला देना, हैं वैसे जल लेके हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम चरण धुला देना। महामंत्र से ही तुम पूजा कर लो, कहते बस उसी से राधा रमन प्रसन्न हो जाएगा। देखो मतलब सोचने वाली बात है, राधा रमन प्रसन्न होने का मतलब गुरु जी का प्रसन्न होना। दिया नहीं राधा, राधा जी ठाकुर जी का, राधा रमन जी का प्रसन्न होने का मतलब गुरु जी का प्रसन्न होना। गुरु जी का प्रसन्न होने का मतलब उनके ऊपर सारी कृपा हो जाना। अब आप देखिए गुरु जी निश्चिंत कि वहाँ ठाकुर सेवा ठीक चल रही है। वो जो गुरु जी के गुरु भाई, जब उन्होंने शरीर छोड़ा उसके बाद में सब जगह पे ये चिंता हुई कि वहाँ का मठ इंचार्ज किसको बनाया जाए, क्योंकि सन्यासी मठ इंचार्ज बन सकता है, किसको बनाया जाए। गुरु जी ने सबसे पहले सारे लोगों ने अपने अपने मतलब जो गवर्निंग बॉडी में मेंबर्स थे उन्होंने बोला उनको उनको उनको, गुरु जी ने बोला प्राणनाथ दास वो बनेगा मठ इंचार्ज। जिन विचारों को बाहर की दृष्टि से उस वक्त, अब उसके बाद जब उन्होंने गुरु जी ने बना दिया तो शक्ति संचार भी किया, वो प्रैक्टिकली देखा भी गया, उस वक्त तक वो कोई हरि कथा नहीं बोल सकते थे, कोई कीर्तन नहीं ढंग से कर सकते थे, केवल मात्र गुरुदेव को उन्होंने प्रसन्न किया, सेवा करके अपनी सेवा से संतुष्ट किया,
गुरुदेव ने उनमें कृपा की, कीर्तन भी करते हैं, बहुत सुंदर कथा भी करते हैं, बड़ा अच्छी कथा करते हैं, और मतलब बहुत से लोगों को उन्होंने गुरु जी से जोड़ा। शरणागत होने का मतलब है कि आप ये भूल जाओ कि आपका क्या होगा, शरणागत का मतलब है ये ध्यान रखो कि गुरु जी क्या चाहते हैं। ऐसा जब गुरु जी के प्रति भाव था, देखा मैंने, जिन जिन का देखा, उनको गुरु जी ने बिल्कुल अभय दान किया। बहुत लोगों की इच्छा होती है कि गुरु जी से मतलब माला मिल जाए, पब्लिक के अंदर गुरु जी माला डाल दें, गुरु जी मेरा नाम बोल दें, बहुत लोगों की ऐसी इच्छा होती है। और कई बार गुरु जी हालांकि आया वो इसी उद्देश्य से कि गुरु जी उसका थोड़ा सम्मान कर दें, तो गुरु जी अंदर से सरल है, ऊपर से सम्मान की कामना है। अंदर से ये है कि गुरु जी तो गुरु जी के लिए प्राण भी दे दे, वो अंदर की भावना जानते ना गुरु जी, लेकिन बाहर से थोड़ा सा प्रतिष्ठा का लोभ भी है। ऐसे एक चंडीगढ़ में गुरु जी के शिष्य, नाम नहीं कहता, जो जिनके नाम को बोलने से आप लोगों का दिमाग में यह आए कि इन्होंने ऐसी प्रतिष्ठा के लिए चामना की, तो वो उचित नहीं है। मठवासी नहीं, गृहस्थ, वो गुरु जी के सामने आए और मतलब गुरु जी के लिए ऐसे अर्पण समर्पण है, परंतु ऊपर से थोड़ी लोगों को पता लगे मैं गुरु जी का प्यारा हूँ। गुरु जी उनको सबके बीच में उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, गले में माला डाल रहे हैं, जो उसके मन की कामना पूरा कर रहे हैं। बाहर आके मेरे को बोलता, देखा आज मैं सोच ही रहा था यार, गुरु जी मेरे गले में कभी माला नहीं डालते, गुरु जी अंतर्यामी हैं, गुरु जी अंतर्यामी। मैंने कहा तुझको आपको अब मालूम पड़ा गुरु जी अंतर्यामी, भाई माला डाली तभी गुरु जी अंतर्यामी, उससे पहले अंतर्यामी नहीं थे। अंतर्यामी हैं, लेकिन शिष्य का अहित ना हो इसके लिए, शरणागत का अहित ना हो, शरणागत मूल बात है, शरणागत, शरणागत का अहित ना हो, अगर प्रतिष्ठा दूंगा कहीं ये पतित ना हो, ये सारी चीजों को देखते हुए गुरुजी कृपा करते हैं। मैं एक जगह गया, एक संत थे, इसको तो कोई राइटिंग में उल्लेख करने की जरूरत नहीं, एक संत संगरूर में, संत ब्रह्मानंद जी, मतलब ब्रह्मानंद महात्मा जी मेरे से 8-10 साल बड़े होंगे, वो बेचारे गुजर ही गए, आज 20 साल हो गए कम से कम। तो उनके शिष्यों ने बड़ी सेवा की, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, बहुत बड़ा प्रोग्राम, हम लोग गए 94-95 की बात है, उस समय लाइव टेलीकास्ट आना बड़ी बात होती थी, लेकिन केवल टीवी पे लाइव था, तो हजारों लोग आ रहे थे जा रहे थे कि भी इतना बड़ा प्रोग्राम। प्रोग्राम होने के बाद में स्वामी जी सबके बीच में उनका नाम बोलना है, अभी क्या करेंगे, जिस जिसने हेल्प की है, सेवा की है, नाम बोलना है, क्या बोलते, मेरे पास में यहाँ पे सभी सेवकों की नाम की लिस्ट है, नाम बोलूँगा तो कहीं तुम्हें अभिमान ना हो जाए, और जिसका नाम नहीं बोलूँगा उसको दुख ना हो जाए। नाम ना बोलने से हो सकता है तुम आगे सेवा ना करो, और नाम बोलने से हो सकता है सामने वाला जो छोटी सेवा करने वाला वो ना करे, उनका नाम नहीं बोला, नाम बोलने से, उनका नाम ना बोलने से हो सकता है जिसने छोटी सेवा की उसके मन में दुख हो, गुरु जी हमको तो जानते भी नहीं, इसलिए मैं ऐसे द्वंद्व में
अगर खुद हूं तो तुम्हें द्वंद में नहीं डालना चाहता। बड़ी अच्छी लगी उनकी बातें मेरे को, तुम्हें द्वंद में नहीं डालना चाहता, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता कि तुम लोगों का नाम लेकर के। तो जो जो सेवक थे उन्होंने हाथ जोड़ दिए, गुरुजी गुरुजी ऐसे रहना, ऐसे रहना। नाम के लिए करोगे तो वो नाम नहीं आएगा, प्रकट नहीं होगा। तो कई चीजें मैंने गुरुजी को देखा कि कई लोगों को जो एक तो है गुरुजी को प्रीति करता है मगर संसार की चीज चाहता है, और एक है जो गुरुदेव की के प्रति शरणागत है, गुरुदेव को चाहता है। जो गुरुदेव को चाहता है, मैंने देखा गुरुदेव ने उसको संसार की कोई उपाधि कोई ये सब चीजें नहीं दी, सम्मान सम्मान वगैरह नहीं दिया। देखा मैंने इसको, उनमें से एक मैं भी हूं। कोई पब्लिक में कहीं भी कोई कुछ सम्मान नहीं, कुछ नहीं, कोई उपाधि नहीं, कोई गौर आशीर्वाद नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा जब गुरुजी ने ये बात लिखी, वो लेटर में जब आखिरी लेटर गुरुजी ने दिया, कहते बित्रासुर की बात को याद रखना। मतलब जो लेटर मेरे को गुरुजी का आखिरी लेटर जो स्वयं 2007 में लिख के दिया जब हम मठ से निकल रहे थे, उसके बाद भी दो चार लाइनें गुरुजी ने लिखी, बट जब हम मठ से इधर आ रहे थे तब बित्रासुर का प्रसंग याद रखना, उसकी प्रार्थना को स्मरण रखना। मतलब मैंने तुझे आज तक कुछ भी बाहर की दृष्टि से नहीं पब्लिकली दिखलाई नहीं दिया, लेकिन जो मैंने तुझे अपना दे दिया है वो तू उसको याद रखना। इसका मतलब कि देवताओं का देवता लोग भगवान से पदवी चाहते हैं, सिद्ध मुनि लोग भगवान से सिद्धि चाहते हैं, भगवान से कोई नजदीक रहना चाहता है, सालोक्य सामीप्य साष्टि सारूप्य पंच प्रकार की मुक्ति लोग चाहते हैं भगवान से, और जो कुछ नहीं चाहता है निरुपाधिक सेवक है, भगवान भी उसके निरुपाधिक सेवक हैं, भगवान भी निरुपाधिक सेवक हैं। जैसे भक्त भगवान का भक्त है, भक्त भगवान का भक्त है, भगवान वही हैं जो भक्त के भक्त हैं। गुरुदेव के शब्द हैं, भगवान कौन भक्त में भक्तिमान, गुरुजी के शब्द। भक्त कौन जो भगवान के दासों का दास। अब देखिए कहाँ पे ले जाना चाहते हैं ये शरणागति। गौड़ीय परंपरा में शरणागति का क्या अर्थ होता है अगर इसे देखेंगे तो इसमें एक ही शब्द एक ही शब्द एक ही शब्द आता है, दास दासानुदास। दास दासानुदास इसलिए कहा गया, गुरुदेव गुरुदेव दास हैं, गुरुदेव के जो सेवक हैं उनका मैं सेवक हूँ, मैं गुरुजी का सेवक हूँ। ये वास्तविकता में हमारी आत्मा का परिचय नहीं होना चाहिए। मैं भगवत सेवक हूँ ये परिचय नहीं होना चाहिए। ये परिचय अगर है ठीक है, लेकिन अगर परिचय दास दासानुदास का है तो भगवान कहते हैं गोपीर भरतु पद कमलयो। गोपियों के भरतु कौन है? गोपीनाथ। उनके चरण कमलों के दास के दासों का दास भगवान बना लेते हैं, अगर ये भाव होता है किसी को, समझे नहीं? तो इसलिए जो प्रणत शब्द गुरुदेव का, प्रणत पाला ये जहाँ प्रणत शरणागत वत्सल,
ये जो गुरुदेव के साथ में देखा गया इन शब्दों को, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही भाव भरे हैं इनमें लीला। मेरे को अपने से रिलेशन में जो आ रहा है ना, वो ही दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, उसको छोड़ रहा हूँ, कोई और देख रहा हूँ, कोई और दिख जाए। और बहुत से हैं आपके साथ में, गुरु जी का कैसा क्या लीला थी जब आप रिटायर नहीं हुए थे, रिटायर होने के बाद क्या लीला थी? इसको देना उधर, अभी टाइम है। जब भी उनसे संपर्क मिला हुआ, उनके साथ मिला मेरे को, उन्होंने आचरण से मेरे को शिक्षा दी, कभी आदेश नहीं दिया। एक ही बार उन्होंने मेरे को लुधियाना में स्पेशली बुलाया था, जब महीना भर रहते थे कपूर जी के यहाँ, मेरे को संदेश आया कि गुरु जी याद कर रहे हैं। तो मैं गया वहाँ पर परिवार के साथ ही गया था। पहले तो उन्होंने जो तुलसी देवी की पूजा की, जैसे ऐसे लगा कि ऐसा तो कभी कल्पना नहीं की जा सकती कि ऐसे तुलसी जी की पूजा होती है, करके शिक्षा दी उन्होंने। फिर उसके बाद प्रसाद मेरा होने के बाद उन्होंने मेरे को अकेले बुला लिया कमरे मुझे, तो मैं कल्पना नहीं कर सकता जिस दिल से उन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को चलो आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद एक ही बात पहली बार उन्होंने कही थी कि हमेशा सेवारत रहना, और उसको मैंने आदेश को एज इट इज एक्सेप्ट किया। मैं और कुछ भी कोई काम करता रहूँ, लेकिन कभी सेवा से मैं वंचित होने की चेष्टा नहीं कभी रहती थी। तो इतना मेरे को स्नेह दिया उन्होंने, मैं कल्पना नहीं कर सकता। मेरे को उनके बिना और कुछ सोच ही नहीं रखता जी मैं, ऐसा मेरे को बार बार उन्होंने शब्द। हम ये तो समझ रहे हैं कि उनकी अपार करुणा मुझ पे हुई, वो करुणा का क्या रूप था वो हमने जी उन... जैसे ये घटना आपने बताया। हाँ जी, उनकी जैसे एक बार क्या हुआ, नगर कीर्तन हुआ बठिंडा में ही, बहुत पुरानी बात है। उसके बाद मैं उनके कमरे में चला गया जी, तब इतना कोई रुकावट होती नहीं थी, जैसे मर्जी चले जाओ। उस दिन 2.5-3 घंटे का नगर कीर्तन हुआ था जी, तो उस नगर कीर्तन के बाद मेरे को ऐसा लगा कि गुरुजी थोड़ा सा थकावट महसूस कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा से उनके चरण प्रशालन करने लगा, उसको नहीं 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 नहीं, मैंने कहा महाराज जी थोड़ी सी मेरे को सेवा दे दो। तब उन्होंने कृपा करके मेरे को सेवा दी। उसके बाद जब भी मेरे को सेवा का मौका मिला तो उन्होंने इनकार नहीं किया, इतनी मेरे पर अपार कृपा की, शायद ही ऐसा सौभाग्य किसी को मिला हो उनकी सेवा करने का। तो इतनी हर पल उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की है जी। ऐसे बहुत से ऐसे वृतांत हैं जो मैं जब भी याद करता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि इसमें एक बात और है ना, कि गुरु महाराज जी ये जो आप सेवा करते थे तो क्या बात करते थे सेवा करते हुए गुरु जी? एक बार उन्होंने सेवा करते करते अपना थोड़ा सा स्वरूप प्रकाशित किया था, तो कहते मेरे को तो थकावट होती नहीं है, मैं तो कभी मैंने थकावट अनुभव नहीं की।
तो मैंने हंसते हंसते कह दिया, महाराज जी आपका तो दिव्य शरीर है, आपको थकावट कैसे हो सकती है, लेकिन हमारे लिए ही आप ऐसी लीला करते हैं। तो मुस्कुरा दिए। तो उस मुस्कुराहट के पीछे क्या उनका भाव था, अब भी मन में आता है कि उन्होंने संकेत कर दिया कि मेरा शरीर दिव्य ही है, मेरे को थकावट नहीं होती, ऐसा अनुभव मेरे को हुआ कि उन्होंने कह दिया, कन्फर्म कर दिया कि मेरा दिव्य शरीर है। फिर एक बार की बात है, वहाँ पर मैं ज़्यादा समय, वहाँ राजेंद्रा कॉलेज है जी बठिंडा में, उनके प्रिंसिपल थे जी, शायद पावटे था या दावटे था, उनका नाम ऐसे था जी, बहुत लर्नड थे जी। उनका थोड़ा सा आध्यात्मिक रुचि भी थी, तो वो आए उस समय, पूरी महाराज जी भी थे जी, तो पहले उनके साथ मिले तो उन्होंने कहा कि मेरे कुछ प्रश्न हैं। मैं उनका, मेरा को समाधान हुआ नहीं, मैंने बहुत जगह प्रयास किया। तो उसके बाद पूरी महाराज हमारे गुरुजी से संपर्क करके देख लें, हो सकता है समाधान हो जाए। तो उनका समय गुरुजी के साथ शाम का निश्चित कर दिया जी। पूरी महाराज जी के तो गुरु भाई है ना, वैसे वो गुरुजी के नाम से उन्होंने संबोधन किया, गुरुजी से आप संपर्क कर लो, हमारे नहीं, हमारे नहीं कि गुरुजी से आप संपर्क कर लो, तो हो सकता है आपका समाधान हो जाए। तो शाम को समय निश्चित हुआ, फिर वो आए, साथ हम भी सब खड़े थे। हमने कहा कि आपको कैसा, में शाम को प्रोग्राम था जी, तो गुरुजी कुछ थोड़ा सा लेट हो गए वहाँ प्रोग्राम करने में। तो जब लेट पहुँचे तो उनके हाथ में, उसके बाद कथा में चले गए, कथा में उन्होंने कथा की, उसके बाद फिर जब उन्होंने कहा कि आपके प्रश्न क्या हैं, तो डॉक्टर साहब ने कहा, कहते आपने सभी प्रश्नों के तो उत्तर दे दिए, मेरा प्रश्न बाकी नहीं बचा। इतना अंतर्यामी स्वरूप गुरु जी का, एक एक प्रश्न कहते मेरा सारा उत्तर, 21 प्रश्नों का उत्तर उन्होंने अपने आश्रम में दे दिया। जो प्रणत होता था, हाँ, चाहे प्रश्न के रूप में हो, अभी देखा भी नहीं था उसमें कि क्या लिखा है, उनकी इच्छा थी कि मैं गुरु जी से प्रश्न करूं, तो उस सारे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने अपनी कथा में दे दिया। तो इतना अंतर्यामी स्वरूप उनका, तब हम सभी पास ही थे, तो हमने महसूस किया कि गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं, उनके बाहर कुछ है ही नहीं। ऐसे हमारे कुछ अनुभव मेरे हुए उनके साथ, तो वो आज भी याद आते हैं, तो बस भूल नहीं पाते जी हम। सतीर्थ सख्य छत्राय प्रणतार्थ प्रदायिने वाली बात हम लोग चिंतन कर रहे हैं। प्रणतार्थ प्रदायिने कि जो शरणागत कोई भी होता, किसी भी रूप से होता, कैसे भी होता, उसकी जो जरूरत, मतलब जो वो चाहता है, वो गुरुदेव उसको दे देते हैं। प्रभु जी ने एक बात बोली, उससे रिलेशन में बहुत सी बातें और याद आ गई, आज उनको ही करते हैं, कल को प्रणत पालाय वाली बात जो है, हालांकि प्रणतार्थ प्रदाय नहीं, लेकिन प्रणत पाल जो शब्द है उस पर चिंतन करेंगे। ये जो प्रभु जी ने बताया कि भाई प्रश्नों का जवाब, ये बहुतों से सुना, मतलब कई लोगों से ऐसे सुना कि भाई आज तो मैं ना सभा में सबको, एक आया ना चंडीगढ़ में नास्तिक, भयंकर नास्तिक जिसको बोलते हैं,
तो हम छोटे छोटे थे तो बाहर बकने लगा गेट के पास, सब नाटकबाजी ढकोसले हैं सबके, सब बस बिल्कुल ऐसे धंधा बना रखा है लोगों ने। अब कीर्तन अंदर चल रहा है, मैं कह भाई तुम यहाँ काय को बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? कहते हैं मैं तुम्हारे जो महंत जी हैं उनसे मिलूँगा, पता नहीं क्या उसके शब्द थे, महंत गुरु जी जो भी, महंत जी से मिलूँगा। मैं कहा ठीक है मिल लेना, अभी तो कथा का टाइम, तुम कथा में बैठ जाओ। क्या बैठूँगा मैं, क्या पूछ सकता हूँ वहाँ पे कुछ? बीच में मत पूछना, बाद में पूछ लेना, जा पहले दे दो लिख करके, हम दे दें, चल देखते हैं। उसने जैसे ही गुरु जी ने साक्षाद हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भगवतैव सद्भि किन्तु प्रभुर्या प्रियैव तस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम। जैसे गुरुजी ने ये किया मैं तो उसी को देख रहा था। अब अचानक से घटना याद आई क्लिक की, नहीं तो कहाँ ये छुपी हुई है, मतलब किस तय में पड़ी हुई है। तो मैं उसको देख रहा था, उस बंदे के ना पहले ऐसे बैठा था, उस बंदे के हाथ जुड़ गए। पहले श्लोक उच्चारण करते हाथ जुड़ गए, मतलब ऐसे करके हाथ नीचे हो गए उसके, मतलब वो सावधान हो गया। प्रभु जी उस बंदे के रंग बदल रहे थे, अपनी आंखों से देखा मैंने। वंदना हो गई, वंदना होने के बाद गुरुजी बोलते हैं सबसे पहले परम करुणामय नित्य लीला प्रविष्ट, अपने गुरुजी का नाम बोलते हैं, वो सब बोला। गुरुजी की पहली लाइन थी, जिसको हरि को देखा नहीं उसको हम क्यों मानेगा, सीधा उसको देख के बोल रहे। ये सब जो मंदिर बना रखा है सब ऐसा ही है, सब दुनिया को धोखा देने के लिए किया है। हैरान उसका लाल पीला हरा हो रहा है वो, तो ये क्या हो रहा है, मतलब वो बहादुर चिल्ला रहा था। देखिए आया है संत के पास, सबसे बड़ी बात ये है, मैं ये कह रहा हूं भले ही परिपूर्ण रूप से शरणागत ना हुआ हो लेकिन उसके मन में तो यह है कि मैं पूछता हूं जरा जाके। और गुरुजी ने उसके ऊपर बड़ा सुंदर बोला, मतलब जो भी गुरुजी ने हरी कथा की वो हरी कथा में पूरी इधर उधर वाली और हरी कथाओं को जोड़ के बोल तो सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ वो शब्द जो है प्रणतार्थ उसको ही मैं ले रहा हूँ। और मतलब गुरुजी ने फिर बोला भगवान हम क्यों मानेगा भगवान को, जिसको देखा नहीं, जिसको पकड़ नहीं सकता है, जिसको पकड़े छो नहीं सकता है, गुरुजी शब्द जिसको छो नहीं सकता, जिसको देख नहीं सकता, जिसको अनुभव नहीं कर सकता, उसको क्यों मानेगा। ऐसे करके गुरु मत पहले नेगेटिव 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 बोल, मतलब उसके जितने प्रश्न थे, हो सकता है जितने प्रश्न उसने ना सोचे हो वो भी गुरु जी ने बोल दिए। बोलने के बाद जैसे गुरु जी ने हरि कथा की उसके बाद ना वो उसको पता नहीं लग रहा था प्रणाम कैसे करना होता है, तो हम लोगों ने प्रणाम किया, मैंने प्रणाम किया जानबूझ के, वैसे तो मैं उठ करके गुरु जी के साथ हो जाता था, वो दिन लेट के मैंने प्रणाम किया, वो भी लेट के प्रणाम किया। मैंने कहा क्यों भाई कुछ, कहते नहीं यार कमाल हो गई, ये तो सुनते ही अलग है। मैंने कहा इसीलिए मैंने बोला था, कहते नहीं भगवान तो है लेकिन मैं अलग शरणागत नहीं हो सकता, कहने का मतलब ये है। मैंने कहा ठीक है तू मान तो लिया ना कि वो है, तो गुरुजी ने उसका जवाब बड़ा सुंदर दिया था, कभी मौका मिलेगा उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। प्रणतार्थ प्रदायी ने चंडीगढ़ मठ में बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जिसमें गुरुजी देखते हैं कि सेवक क्या करता है,
कहाँ से देखते हैं, जैसे ये बाहर आया हुआ आदमी, इसका जैसे देख लिया गुरु जी ने, ऐसे नहीं देखा कि आके सुन रहे हो, और मैं भी नहीं गया, उस क्वेश्चन कर रहा था, बोल रहा था, बक 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 कर रहा था, मेरे को थोड़ा सा, मैं तो बच्चा था थोड़ा सा, हम लोग तो दूसरे ढंग के, थोड़ा ऐसे मत यार, मत बोल, चिल्ला मत, तूने पूछना है तो क्या था, मैं तुम्हारे गुरु से पूछूंगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, अभी तो कथा हो रही होनी है तो कथा में बैठ जा। तो वो मतलब एक चमत्कार के बाद में ऐसे गुरु जी का बहुत विशेष ये देखा गया, गुरु जी के अंतर्जामित्व कि वो शरणागत जीव के अंतर की बात जानते, अथवा जो नहीं भी शरणागत है उनके पास आया है कुछ भी एक भाव लेकर के, अगर वह देखते हैं कि नहीं इसका ये भाव लेके आया, अगर मैं इसको दूंगा तो ये और पतित हो जाएगा, तो गुरुजी उसे कभी उस प्रश्न का जवाब भी नहीं देते थे, कभी ना ही उसका चिंतन करते थे। ये भी देखा गुरुजी के पास में एक भक्त, वो आए कि गुरुजी हमें जो है आप नौकरी नहीं लग रही है बच्चों की, और इनका तो कोई काम अब है नहीं, बहुत मुश्किल हो रखा है, आप कृपा करें कोई नौकरी मिल जाए। गुरुजी ने ना जाने क्यों उनको बोला, देखो नौकरी तो कृष्ण का करना चाहिए, संसार का नौकरी करने से तो दुख ही मिलेगा, ऑलरेडी वो दुखी हैं, उसमें दुख ही मिलेगा, ये बात बोलने का क्या अभिप्राय रहा होगा, आपके पतिदेव का तो पेंशन है, वो पेंशन में तो कहते महाराज जैसे तैसे गुजारा हो रहा है, कोई बात नहीं, वो गुजारा होने से भी होगा, उससे कम से कम जो अपना परिवार है इकट्ठा रहेगा। अब आप कल्पना करके देखिए, एक माँ अपने बच्चे की नौकरी के लिए आई, उसको आप सांत्वना ना दे करके उसको आप बोल रहे हैं कि भाई भगवान की नौकरी करनी चाहिए, और एक बिना किसी मतलब दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है मगर बाहर ना बोले, वो आई उसको 2 रुपए दिए उसको करोड़ों हो गए, ये तो प्रमाण है ना, आप जानते हैं उनको करोड़ों हो गए, और एक बेचारे के अभाव है उसके यहाँ आप दे नहीं, मतलब ऐसे नहीं कर रहे, यहाँ तो हो सकता है कर्मों का फल। लेकिन मेरे ख्याल 8-10 साल बाद वो दोबारा माताजी, शायद 8-10 साल बाद माताजी दोबारा आए, गुरुजी से उन्होंने बोला महाराज मैं आपके पास पहले आई थी, आपने बोला कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण की सेवा करो, उनकी नौकरी करो, क्या संसार का नौकरी है, महाराज जी सही बोला था आपने। वो हुआ ये कि कुछ 2-4 साल बाद उस बेटे की नौकरी लगी, शादी हुई थी, ऑलरेडी शादी थी, नौकरी लगी, पत्नी बोली अब एक भी पैसा घर में नहीं दे सकते, महा क्लेश हो गया घर में, पत्नी अलग हो के बेटे को लेके गई, अब वो बुढ़ा बुढ़ी दोनों अकेले, अगर उसकी नौकरी नहीं लगी होती दोनों डिपेंडेंट रहते सेवा करते। बोलो ये चीज तो बाद में समझ में आई ना, उस वक्त तो बड़ा वो लगा अजीब सा कि एक को तो आपने 2 रुपए दिए करोड़ों हो गए, और एक बेचारे घर के गुजारे के लिए, कि उसका सिर्फ इतने से कहना था कि बच्चे जो हैं, ऐसे ही एक परम गुरु जी के शिष्य, उनके 2 बेटे माता पिता जो मतलब पति पत्नी दोनों जो है परम गुरु जी के शिष्य, और दोनों बेटे जो है हमारे गुरु भाई, बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, मतलब टॉप क्लास के पढ़े लिखे, आप जानते हैं नाम मैं उल्लेख करूंगा शायद उन्हें परेशानी होगी,
चंडीगढ़ में ही मठ से थोड़ी दूर में रहते। पति पत्नी दोनों नौकरी में, दोनों बहुत अच्छे पढ़े लिखे, बड़ी सभ्यता से शालीनता से वार्तालाप, उनका बच्चों का उठना बैठना लगता था कि हाँ सभ्य परिवार है। गुरुजी के पास में आए, माताजी मैं वहीं था, महाराज जी कृपा करो इसकी नौकरी लग जाए। गुरुजी कहते आप तो हमारा गुरुजी का आश्रित है, आप ऐसा बात करेगा भगवान का जो इच्छा होगा हो जाएगा। फिर उसके बाद में चलो ठीक है शादी हो जाए, शादी के लिए गुरुजी के पास। फिर मैं उनके घर जाके बोला, मैंने कहा आप क्या करते हो, जब इतने सालों से आप मठ में आते जाते हो परम गुरु जी के शिष्य, आप अभी तक नहीं पता लगा आपको कि ये सब बात नहीं करनी चाहिए। तू चुप रह, मैं उनके बच्चों से छोटा हूँ, तू चुप रह। मैं कहा चुप रहूँ और आप गुरु जी को जा कर के कहते मेरे गुरु भाई हैं, तू क्यों बोलता है। नेचुरली बच्चा हूँ, मेरा अधिकार नहीं बोलने का। तो गुरु जी के पास में उन्होंने बोला होगा या नहीं बोला होगा, पहले बोला था मगर उसके बाद में नेक्स्ट टाइम बोला होगा या नहीं बोला, हरी कथा में गुरु जी बोल रहे, वो सामने बैठ करके वो लड़का सुन रहा है। माता बोलती है बच्चे का शादी हो जाए, और वो लड़का सिर नीचे करता है। इतना सुंदर गाता था ना वो, बहुत सुंदर गाता था, मठ में आता था बहुत सुंदर, मृदंग भी बजाता है, बहुत सुंदर गाता था, ब्रह्मचारी बनने लायक था और उसकी परम इच्छा थी ब्रह्मचारी बनने की। माँ ने बस नहीं तूने शादी करनी, शादी होगा पत्नी आएगा अवल लेके चला जाएगा तो क्या होगा। इनडायरेक्ट वे में गुरुजी उसका मतलब बोल रहे हैं, और माताजी फिर वैसे की वैसी, माताजी कही नहीं महाराज जी तुझे आशीर्वाद करो ब्याह हो जाए। गुरु कहते हम क्या बोलेगा, जो भाग्य में है वो तो उसको क्या बोल सकता है। देखिए एक चीज़ इसमें समझने वाली है, भाग्य में है बोल करके आप भगवान के शरणागत नहीं होंगे ये बात भी नहीं है। आप शरणागत हो जाइए, वो संस्कार जो हैं आएंगे, वो टाइम पे आएंगे, वो उस समय आपके हृदय में विकार उत्पन्न होंगे, आप विचलित होगे, लेकिन गुरुदेव के अगर चरणों को नहीं छोड़ा है तो वो समय निकल गया तो पार हो गए। गुरुजी ने इस बात के लिए बोला था। हमारे एक गुरु भाई मठवासी लाल कपड़े छोड़ करके वो गृहस्थ में मतलब घर में चले गए, तो मैं दुखित होकर गुरुजी के पास गया। मैं गुरु महाराज जी नाम लेके उसका बोला कि वो ऐसे ऐसे जो है मेरे घर चला गया, मेरे को बड़ा दुख है। गुरुजी ने बोला नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृताय सकलत्राय सभृताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। कहते मैं जगन्नाथ जी के जो पुत्र जगन्नाथ मिश्र के पुत्र की वंदना करता हूँ, उनके मित्रों की वंदना करता हूँ, उनके परिवार के लोगों की वंदना करता हूँ और उनके पुत्रों की वंदना करता हूँ। गुरु कहते महाप्रभु का पुत्र कौन है, सन्यासी का पुत्र कौन होता है, सन्यासी का पुत्र सन्यासी होता है। सन्यासी अगर सन्यास ना दे किसी को तो बांझ स्त्री की तरह है। प्रभुपाद जी की वाणी है, कहते सन्यासी अगर सन्यास लेने के बाद अगर शिष्य नहीं बनाता है तो वो बांझ स्त्री की तरह है। मतलब सन्यास देने का अभिप्राय है कि तुमको आगे परंपरा को चलाना है, मतलब सन्यास का मतलब एक तरह से विवाह हो जाना, भगवान से संबंध स्थापित हो जाना। वो संबंध स्थापित होने के बाद तुम और लोगों का संबंध स्थापित करो, ये है। यहाँ पे तो एक आचार्य होंगे, एक ही वो होंगे, तो उस दृष्टि से हमारे मठ में थोड़ा सा ये अलग तरह के विचार हैं
नहीं समझते हैं, परंतु इसका कहीं भी विरोध नहीं होना चाहिए। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, हमको तो गुरुजी ने बहुत साल पहले ही बोल दिया था। मैं बात कर रहा हूँ कि वो गुरु महाराज जी ने जो वहाँ बोला, सपुत्राय, सन्यासी का पुत्र सन्यासी, सकलत्राय हो सकता है, ठीक है, सन्यासी नहीं हो सका, त्याग में नहीं रह सकता, परिवार का सदस्य तो है ही है। उस ब्रह्मचारी के लिए गुरुजी ने ये बोला, मतलब वो अब वो पुत्र नहीं रहा, अब वो परिवार का सदस्य हो गया। ब्रह्मचारी जो है वो गुरु का पुत्र नहीं होता है, ठीक है ना, है परिवार का सदस्य है तब तक जब तक कि वह पूर्ण रूप से त्यागी ना हो जाए। त्यागी होने के बाद में ये एक बात गुरुजी ने बोली, तो वही बात दिमाग में वहाँ आती है जब माताजी ने जबरदस्ती मतलब बोला महाराज जी शादी करें। गुरुजी ने हरिकथा में तो सुना दिया, सुनाने के बाद में फिर माताजी ने वही बात कही, तब गुरुजी ने बोला हम क्या बोल सकता है, आप जो भगवान का इच्छा वो होगा। गुरुजी उस लड़के को बहुत चाहते थे कि वो आ जाए। ऐसे ही एक और है बहुत विद्वान, दूसरे शहर से है, उनकी माताजी रोने लगी गुरुजी के पास आके, महाराज जी इसको वापस भेजो, इसको वापस भेजो, उन्हें मैं मर जाऊंगी। गुरुजी ने बोला आपका तो एक और बेटा है, वो सेवा करेगा, नहीं 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 इसको आप महाराज भेजो, नहीं तो मैं वो जी हार्ट अटैक आने लग गया माता पिता को। गुरु जी बोले देखो घर में रहेगा, कूप मंडूक बन के रहेगा, कुएं का मेढक बन के रहेगा, संन्यास लेने से सारा विश्व में योग्य था वो, लेकिन शरणागति का अभाव, गुरु की इच्छा में इच्छा का अनुवर्तन करना, इच्छा के अनुसार चलना, ये हर किसी जीव के अंदर भाव नहीं आता, और नहीं आने के कारण ही गुरुदेव के हृदय के भाव वहां संचारित नहीं होते। गुरुदेव की तरफ से कोई कमी तो है नहीं, स्वयं बोल रहे हैं, सामने से बोल रहे हैं। शरणागत आया, एक को बोला कि तुम भगवान का नौकरी करो, संसार का क्या नौकरी करना, खाने के लिए तो पेंशन है ही है। एक को बोला शादी मत करो, मतलब डायरेक्ट नहीं बोला शादी मत करो, शादी करने के लिए महाराज जो, 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 जो अरे वो तो आएगा अब लेके चला जाएगा, हुआ ऐसे ही उनके साथ आया और वो लेके गई और वो सिर पटक के फिर गुरुजी के पास आई, महाराज जी शादी की, बोला हमको क्या बोलता है। फिर मैं तो छोड़ने वाला था, मैंने कहा आपने बोला था, गुरुजी ने बोला, गुरुजी ने बोला इसीलिए गई। मैं पागल हो क्या, जिस डाली पे बैठे हो उसी डाली को काट रहे हो, फिर बोल रहे हो कि भाई आपके साथ कोई रह ही नहीं सकता। फिर दूसरे की शादी, दूसरे का भी ऐसा ही हुआ, वो भी छोड़ के गई। कहने का अभिप्राय, गुरुदेव शरणागत वत्सल होने पर भी, प्रणतपाल होने पर भी, जो शरणागत है वो जब स्वार्थों के कारण से होता है तो गुरुजी उनके स्वार्थों को पूरा करने का विशेष ध्यान नहीं देते, और कईयों को इच्छा ना होने पे भी दे देते हैं, ये चीज है। तो इसलिए कल और आगे की लीला को श्रवण करेंगे। प्रणत अर्थ प्रदायी ने, प्रणतार्थ प्रदायिनी का और आगे चिंतन करेंगे। वंशा कल्पतरुष्य कृपा।